हेलो स्टूडेंट्स, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कुछ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म इन डिफरेंशियल इक्वेशंस, एंड नाउ डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज, तो एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म हम इस तरह से लिखेंगे, कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स इस तरह डिनोट करेंगे, या फिर आप स्मॉल एफ और ये बार लगाकर भी डिनोट कर सकते हैं। तो सही फॉर्मूला आएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म का 1/√2π इंटीग्रल ओवर माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ई टू द पावर आई एस एक्स एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसे डिनोट करेंगे कैपिटल एफ में, ये इनवर्स का साइन लगाएंगे, एंड एफ बार ऑफ एस इक्वल्स टू 1/√2π इंटीग्रल ओवर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एंड ई टू द पावर, यहां पर पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव आएगा आई एस एक्स, एंड एफ बार ऑफ एस यहाँ डी एक्स है तो यहाँ आएगा डी एस। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म दोनों फॉर्मूले लर्न करना है। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो भी जस्ट हमने डिस्कस कर लिया, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यहां पर सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। इफ एफ बार ऑफ एस इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन तो एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये अगर है एफ बार ऑफ एस, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1/a एफ बार ऑफ एस बाय ए, राइट। तो ये है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो करेक्ट आंसर आएगा यहां पर ऑप्शन सी। इफ एफ बार ऑफ एस इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ बार ऑफ एस, तो एफ ऑफ एक्स माइनस ए का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ई टू द पावर आई एस ए एंड एफ बार ऑफ एस, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर डी। अगर ये साइन चेंज करें तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए होगा, और यहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस आई एस ए एफ बार ऑफ एस। इफ एफ बार ऑफ एस इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन वैल्यू ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एट एक्स, तो यहां पर मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ बार ऑफ एस है, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स, और ये हो जाएगा 1/2 एफ बार ऑफ एस प्लस ए प्लस एफ बार ऑफ एस माइनस ए, राइट। तो ये प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, इसमें ए इक्वल्स टू 8 रखेंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉस 8a इक्वल्स टू 1/2 एफ बार ऑफ एस प्लस 8 एंड प्लस एफ बार ऑफ एस माइनस 8। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लाई करेगा -1 to 1 के बीच में, तो एफ एक्स की वैल्यू 1 है, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे एफ बार ऑफ एस इक्वल्स टू 1/√2π एंड माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर आई एस एक्स एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। हमें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है, तो इसे तीन पार्ट में करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर सपोज माइनस वन है, ये वन है, पहले हम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, देन माइनस वन टू वन एंड देन वन टू इन्फिनिटी में इंटीग्रेट करेंगे। सो 1/√2π एज इट इज, और पहला इंटीग्रल होगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन। नाउ माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन में ये वाला डेफिनेशन यूज होगा अदरवाइज, और इसमें एफ एक्स की वैल्यू है 0, राइट। तो e टू द पावर आई एस एक्स एज इट इज, और एफ एक्स आएगा 0 एंड डी एक्स
प्लस दूसरा इंटीग्रल होगा माइनस वन टू वन में, और यहां पर फंक्शन की वैल्यू वन है, सो ई टू द पावर आई एस एक्स और एफ एक्स की वैल्यू है वन डी एक्स, और तीसरा इंटीग्रल हो जाएगा वन टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आई एस एक्स एंड फंक्शन की वैल्यू होगी जीरो एंड डी एक्स, राइट। नाउ ये वाला इंटीग्रल जीरो हो जाएगा और ये वाला इंटीग्रल भी जीरो हो जाएगा, तो फाइनली यहां पर आएगा वन अपॉन अंडर रूट टू पाई एंड इंटीग्रल ओवर माइनस वन टू वन ई टू द पावर आई एस एक्स एंड डी एक्स। तो हमें ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना है एंड देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। सो इसे क्लियर कर लेते हैं। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का साइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो इसका सही फॉर्मूला आएगा ऑप्शन सी, इस तरह से डिनोट करेंगे इसको। और अगर इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म बोला जाए तो इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एफ इनवर्स एस ऑफ, इसमें बार लगाएंगे और ये कुछ इस तरह से, तो ये हो जाएगा इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, और इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट टू अपॉन पाई जीरो टू इन्फिनिटी एफ बार एस ऑफ एस एंड साइन एस एक्स एंड डी एक्स। तो साइन ट्रांसफॉर्म और इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म दोनों हमें लर्न होना चाहिए। इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, सो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा पहले हम वो लिखेंगे, तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को हम इस तरह डिनोट करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहां पर बार और सबस्क्रिप्ट में सी लगाएंगे कोसाइन के लिए, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट टू अपॉन पाई इंटीग्रल ओवर जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस एस एक्स एंड डी एक्स। तो ये फॉर्मूला होगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। नाउ इसका इनवर्स चाहिए, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, राइट। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है अंडर रूट टू बाई पाई, लिमिट यहां पर जीरो टू इन्फिनिटी, यहां भी जीरो टू इन्फिनिटी है, और यहां पर कॉस एस एक्स है और यहां भी कॉस एस एक्स है, लेकिन यहां डी एस आएगा, ध्यान रखना है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखेंगे एफ बार एस ऑफ एस इक्वल्स टू अंडर रूट टू अपॉन पाई इंटीग्रल ओवर जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स एंड डी एक्स। एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करेंगे ई टू द पावर माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा टू अपॉन पाई जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एंड साइन एस एक्स एंड डी एक्स। अब ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी यूज कर सकते हैं या फिर ये एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ओवर ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, और ये क्या होता है ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। नाउ ई टू द पावर ए एक्स है, यहाँ ई टू द पावर माइनस एक्स है, तो इस फॉर्मूले में ए को हम माइनस वन रखेंगे और यहाँ पर साइन बी एक्स है और ये साइन एस एक्स है, सो बी इक्वल टू हमें एस रखना होगा। तो ये इंटीग्रल कुछ इस तरह हो जाएगा अंडर रूट टू अपॉन पाई एंड ई टू द पावर ए एक्स, सो ई टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो माइनस वन स्क्वायर वन होगा और बी एस है, तो यहां पर आ जाएगा एस स्क्वायर एंड ए साइन बी एक्स। नाउ ए माइनस वन है सो माइनस साइन बी एस, तो ये होगा एस एक्स और यहां पर आ जाएगा माइनस एस कॉस एस एक्स, राइट। इसमें लिमिट लेना है जीरो टू इन्फिनिटी। नाउ अपर लिमिट रखेंगे, एक्स को इन्फिनिटी से रिप्लेस करेंगे, तो यहां आएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। नाउ ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो अपर लिमिट हो जाएगी जीरो, सो अंडर रूट टू अपॉन पाई एज इट इज अपर लिमिट हो गई जीरो माइनस लोअर लिमिट चेक करेंगे तो एक्स को जीरो से रिप्लेस करेंगे, सो ई टू द पावर जीरो इज वन, सो वन अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर एंड यहां पर एक्स को जीरो रखेंगे तो साइन जीरो इज जीरो और यहां पर भी एक्स को जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो आएगा वन होगा,
So 1 into minus s is minus s, तो यहां पर आ जाएगा minus s, right? तो इस तरह से हमने upper limit और lower limit को put किया. Now finally इसकी value हो जाएगी under root 2 upon pi, minus minus plus हो जाएगा, s upon 1 plus s square. तो correct option हो जाएगा, option D, Fourier cosine transform of the function f of x equals to this. So, Fourier cosine transform का formula होगा f of s equals to under root 2 upon pi integral over 0 to infinity f of x and cos sx and dx होगा. इस integral को हम दो part में calculate करेंगे, पहले 0 to a and then a to infinity. So, under root 2 by pi as it is and 0 to a. Now, 0 to a में fx की value 1 है. तो यहां 1 आएगा और ये होगा cos sx and dx. दूसरा इंटीग्रल होगा a to infinity. Now a to infinity में फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो इस fx को 0 से रिप्लेस करेंगे और यहां पर आएगा cos sx and dx आएगा. तो ये 0 है, ओवरऑल ये इंटीग्रल हो जाएगा 0. तो हमें ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, अंडर रूट 2 बाय पाई इंटीग्रल ओवर 0 टू a cos sx एंड dx हो जाएगा. नाउ अंडर रूट 2 बाय पाई एज इट इज cos sx को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा sin sx अपॉन s. लिमिट होगी 0 टू a. सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 बाय पाई सेम, x को a से रिप्लेस कर लेंगे तो ये हो जाएगा sin x a s a आएगा, sin s a अपॉन s. लोअर लिमिट 0 होगी, x को 0 से रिप्लेस करेंगे, sin 0 0. तो ये राइट आंसर होगा. सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए. इफ द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज दिस, देन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है. तो ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, तो इसको हम डिनोट करेंगे f s ऑफ s से, e टू द पावर माइनस ए एस अपॉन एस. नाउ इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 बाय पाई और लिमिट हो जाएंगी 0 टू इनफिनिटी एंड एफ ऑफ एस आ जाएगा साइन एस एक्स एस एक्स एंड डी एस. तो यहां पर जो एफ ऑफ एस है उसको रिप्लेस कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा फिर अंडर रूट 2 बाय पाई 2 बाय पाई 0 टू इनफिनिटी, इसको रिप्लेस करेंगे सो e टू द पावर माइनस ए एस अपॉन एस एंड साइन एस एक्स एंड डी एक्स. नाउ इस एफ को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 2 बाय पाई इंटीग्रल ओवर 0 टू इनफिनिटी. इस तरफ भी हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यहां पर एक्स आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. सो ई टू द पावर माइनस ए एस अपॉन एस एज इट इज साइन एस एक्स है, तो यहां पर एक्स वाली टर्म है, इसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो ये क्या हो जाएगा एस कॉस एस एक्स एंड डी एक्स. नाउ ये एस और ये एस कैंसल हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आ जाएगा ऑप्शन डी. इफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ बार ऑफ एस, देन तो एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, तो इसका nth डेरिवेटिव अगर हम लें, nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा यहां पर ऑप्शन बी. तो ये थे कुछ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नॉर्मल सबग्रुप्स एंड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म. तो इस टॉपिक को आप रिवाइज कर लें एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन.